हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर मैथिली देश पांडे। आज हम बात करेंगे कि इस दांत में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यानी इस दांत का ट्रीटमेंट है रूट कनाल ट्रीटमेंट, यानी जिसे हम नसों की ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो वो हम आज देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। मैंने एक लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया हुआ है रूट कनाल ट्रीटमेंट के ऊपर, लेकिन आज हम एक्चुअल देखेंगे कि वो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट की सबसे पहली स्टेप रहती है कि जो दांतों के अंदर सड़न है वो निकाल लेना। तो अभी हम सबसे पहले सड़न निकालेंगे। इस दांत में सड़न काफ़ी डीप है, तो जैसे हम सड़न निकालेंगे वैसे ही दांतों की नसें खुल जाएगी। इस दांत में तीन जड़े हैं, रूट्स तीन हैं इस दांत में, यानी उसकी जो नसें है वो भी तीन होगी। ये जो दिख रहे अलग किस्म के इंस्ट्रूमेंट, इनकी सहायता से हम दांतों की जो नस है वो क्लीन करते हैं। पुराने ज़माने में डेंटिस्ट जो कनाल्स रहती थी वो हाथ से क्लीन करते थे। अभी नई एडवांसमेंट आई है डेंटिस्ट्री में कि हम जो कनाल्स है वो जो मशीनरीज है उससे हम क्लीन करते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है कि रूट कनाल के प्रोसीजर के बारे में, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि पेनलेस रूट कनाल होता है आजकल। तो वो क्यों होता है? क्योंकि पुराने ज़माने में जो हम इंस्ट्रूमेंट हाथ से यूज़ करते थे, नहीं तो जो कनाल्स हम हाथ के इंस्ट्रूमेंट से क्लीन करते थे, अभी वो जो कनाल्स है वो क्लीन करने के लिए मशीनरीज आती है नहीं, तो हम उन मशीन के सहायता से कनाल्स क्लीन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कनाल्स क्लीन भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, समय कम लगता है और दर्द भी नहीं होता। और वैसे भी रूट कनाल करते वक्त हम एनेस्थेशिया तो देते ही है। एनेस्थेशिया देने के बाद ही हम ये पूरी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि हम रोटरी इंस्ट्रूमेंट यानी मशीनरीज की सहायता से क्लीन करते हैं, तो अभी ये हम मशीन के सहायता से क्लीनिंग करते हैं। रूट कनाल के जो प्रोसीजर है उसमें और भी काफ़ी स्टेप्स रहती है। यानी हम बीच बीच में एक्सरेज लेके देखते हैं कि हम पूरी जड़ तक पहुंच गए या नहीं। दूसरा यानी कि हर एक जड़ का लेंथ अलग अलग रहता है, तो वो लेंथ कितना है वो हम एक अलग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से चेक करते हैं। कुछ एडिशनल स्टेप्स भी रहते हैं उसमें।
चीज़ है उसे कनाल्स की क्लीनिंग तो होती ही है और उसके साथ साथ उसके अच्छे से शेपिंग भी होती है ताकि हम परमानेंट हीलिंग अच्छे से कर सकें। अभी हमारा क्लीनिंग हो गया है अच्छे से, अभी हम फिलिंग के लिए जाएंगे। फिलिंग करने के पहले सबसे पहले तो कनाल्स पूरी ड्राई चाहिए। ड्राई होने के बाद फिर हम एक ग्लू के जैसे मटेरियल के साथ ऐसे जो कोन के जैसे दिखते हैं फिलिंग मटेरियल वो हम वहाँ पे रख के फिर सील कर देते हैं। परमानेंट रूट फिलिंग कर रहे हैं, यानी अंदर की जो नस है वो पूरा हम पैक कर रहे हैं परमानेंट फिलिंग से। एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल लेते हैं हम और अभी जो ऊपर का कैविटी है वो हम परमानेंट फिलिंग के साथ पैक कर देते हैं। अभी ये हम ऊपर से परमानेंट फिलिंग कर रहे हैं। दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से हमें कैप लगानी पड़ती है। तो ये थी पूरी रूट कनाल की स्टेप्स। रूट कनाल ट्रीटमेंट करते वक्त हम कैसे जाते हैं और कैसे करते हैं, आपको जो भी क्वेरीज होंगी वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। Thank you so much for watching and